जी कलेज कलेज नहीं। ओ भाई साहब अभी कुत्ते की जो है हालत खराब हो रखी है, इसने शायद कोई लंगूर मारा होगा क्योंकि उसके मुंह पे कुछ ऐसा ही दिख रहा है लंगूर मारा हुआ होगा। बढ़िया, मैं खेत में हुआ कोई लंगूर तो कुत्ते ने मार दिया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तो अभी जा रहे हैं हम दंदी में, हो गया प्रभात हो गया, घर से आए हुए हैं, आधे रास्ते तक आ गए हैं। दंदी जाना हमने, हमको लेके आना हल, वो तो नसड़ा वो जो जू रहता है वो लेके आना है, क्योंकि शाम को जो है घर में हल लगानी है। आज से जो हल लगाने की शुरुआत हो गई है, तो बैल भी हमारी दंती है लेकिन हम खाली जो है कि हल लेके आएंगे, बैल जो है कि चाचा जी लेके आएंगे। अभी चलते हैं भाई साहब, गर्मी इतनी हो रही है क्या बताया जाए, 3-4 दिनों में इतनी गर्मी बढ़ गई है क्या बताएं। अभी ऊपर जाते हुए कितनी आफत आएगी जब जो है कि हल कंधे में होगा। तो अभी यहाँ पे पूरे सरसों के खेत हैं, यहाँ से लेके और नीचे तक ये पूरे हमारे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये 2-4 दिन की जो धूप निकली है पूरा इसका कमाल है कि इतने अच्छे हो गए हैं, और जो बुरांस भी है वो भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं तो जो कि बस बारिश ही हो रही थी और बुरांस भी नहीं खिल रहे थे, और ना ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है वीडियोस में, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये पहुंच गए अपने घर में, यह रहा नीचे दंती, यहीं से ले गया नसुड़ा हमको, मतलब हल लेके आना यहीं से। तो ये पहुंच चुके हैं नीचे दंती में, ये पुराना घर भी है हमारा, करंट जो अभी गौशाला भी है, कुछ गाय भैंसे यहाँ पे हमारी और कुछ गाय भैंसे जो कि नीचे हैं, यहाँ पे गौशाला पूरी है। और यहाँ से उठाना अभी यहाँ से हमने उठाना है नाड़ा, हो गया नाड़ा बता रहा हूँ मैं, नाड़ा नहीं उठाना है, नसुड़ा उठाना है, वो नाड़ा नसुड़ा बोलते हैं गढ़वाली में, हल उठाना है और जू उठाना है, और जो जुआ उठाना है जो बैलों के कंधे में रहता है फिर जुए के हल को कनेक्ट करता है वो उठाना है, और यहाँ से निकलना है फिर घर की ओर, बैल जो कि आंटी जी लेके आएंगी। तो ये रहा हल और ये रहा जू, और जो जुआ इनको लेके जाएंगे मैं, हो गया और प्रभात घर की ओर। अब आफत आने वाली है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इसके भाई का वीडियो था, उसको दिखाना था, वो भाई का वीडियो मर गया इसका भाई। करवाया था क्या सो लगा यो कर आज आज यको दो करवाया था व्यस्त ना करे कर रहा है नहीं का नहीं ते कार्तिक मुकर रहा मैंने ए काली कार्तिक उन गाड़ी से जीवासा का नहीं कार्तिक का नाम निकाल के कर रहा वो आ कार्तिक है ना कार्तिक जी झपट नहीं गया सीधा। तो अब निकलते हैं घर की ओर, बैल जो कि ए भाई साहब बैल जो कि चाची जी लेके आएंगे जैसे भी होगा। हम तो फिलहाल निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर में और काम भी है, गाय भैंसों को पानी पिलाना है, गोलू भी अभी खाना खाने के लिए आया है घर, गोलू की भी स्कूल है, गोलू का पेपर आज और भी गोल बात कहाँ छुट्टी मोटी छुट्टी मोटी शायद नहीं आएगा, लेकिन गाय भैंसों को तो पानी पिलाना ही है इसलिए हम निकल रहे हैं। भाई साहब पूरी चढ़ाई चढ़नी है यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक, और साथ ही में सांपों का डर, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है आजकल सांपों से भी डर लगता है, ये रास्ता इतना बारीक है देख लीजिए, ऐसे कहीं भाग भी नहीं सकते हैं, ऊपर से हल भी कंधे में है।
माहौल भी होना वैसे तटी में। तो ये है पहाड़ की लाइफ, इतनी स्ट्रगल वाली। पहाड़ में रहना इतना आसान भी नहीं है। अब मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिलता है। इतनी मेहनत करने के बाद कभी जंगली जानवर खाना खाते हैं, मतलब फसल होती है, कभी जंगली जानवर खाते हैं तो कभी लंगूर। तो अभी आधे रास्ते तक हम आ गए हैं और हालत भी ख़राब हो गई है, पसीना पसीना हो गया यहाँ। यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे बांज का पेड़, हाँ हाँ हाँ, जाग देता है यहाँ पे, तो काफ़ी पुराना पेड़ है और यहाँ पे चलती ठंडी हवा। अब यहाँ से बस थोड़ा रह गया रोड, उसके बाद रोड से घर भी थोड़ा ही है, थोड़ा तो नहीं बोल सकते है, लेकिन भाई साहब अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो मार्च चल रहा है, अभी से इतनी हालत ख़राब हो गई। ठंडियाँ आती है तो हम ठंडियों से परेशान हैं, गर्मी आती है गर्मी से परेशान है, लेकिन ये गर्मी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली है। हम दंती से भी आ गए और ये देख लीजिए, मैं सारी धान करी जो ये यहाँ टीवी देख रही है, लेकिन अपने तरफ का, लेकिन इसने जो कि पूरा काम कर लिया है। और सब एक काम करना है, गाय भैंसों को पानी पिलाना है। क्यों, किसने आप ही तो बनी पूरा काम के लिए भंडार द्वेन घोर से खोर सूरी तोड़ते तेरे तो ते भी सही सही काम है। तो जो कि हमने बस गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए जाना है, उसके बाद छुट्टी खाना बनाना है, छुट्टी तो नहीं होती है लेकिन खाना बनाना है, उसके बाद जो कि शाम को हल लगाना ही है, उसके बाद शाम को जो कि हल लगानी है। तो जो कि हल लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है मम्मी, जो कि अभी पूरे खेत में जो है गोबर डाल रही है, मतलब गोबर फैला रही है जैसे बोल सकते हैं। और इस सीजन का, ये सीजन का पहला खेत है जो हम हल लगाने वाले हैं। अभी बाकी खेतों में हमारे जो कि सरसों हैं, जौ हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे जौ हैं, यहाँ भी जौ हैं और इस वाले में सरसों हैं। ये खेत पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पीला हो रखा है। तो ये सरसों है और ये है जौ, ये शायद जो कि अप्रैल लास्ट तक हो जाएंगे मगर निकालने के लिए, तब तक जो कि फसल पक जाएगी। तब तक के लिए बस हमारे पास एक ही खेत है, इसमें हम आलू लगाने वाले हैं, लेकिन पहले इसमें हल लगानी है, फिर जाके इसमें आलू लगेंगे। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखते हैं बैल हल लगाते हैं कि आई हाई, अभी देखते हैं कि बैल हल लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हो रहा था। अगर आप पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा कि बैल एक जो है कि एक हल नहीं लगा रहा था, सीधा लेट जा रहा था, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, या तो ड्रामे कर रहा है वो, क्योंकि 6 महीने तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आज तक बैल बीमार होता या कुछ भी खाना नहीं खाता, तो खाना भी अच्छी तरीके से खाता है वो, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खेत में आए ड्रामा करते हैं। आज देखते हैं ड्रामे करता है नहीं करता है। आई मम्मी जो है कि पूरा गोबर डाल ही रही है यहाँ पे, ये पूरी पत्तियाँ जंगल से लाई हुई रहती हैं और इसी का गोबर मिक्स है। लगैली होल दिमा तो जो कि हल लगा के वापस आ गए हैं। हल जो कि लगी नहीं क्योंकि बैल जो कि फिर लेट गया है, तो हमने सोचा अपना दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं, बैल को हमने वहीं पे छोड़ दिया, वहीं पे नहीं छोड़ा बना गौशाला में बांध दिया बैल को, और मैं फिर ऊपर आ गया, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि बैल के पीछे अपना दिमाग ख़राब मैं कर नहीं सकता हूँ, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। पिछली बार भी यही हुआ था कि बैल हल नहीं लगा रहा था और गुस्सा तो आता ही है, अगर आपने जो चीज़ रखी है वही काम नहीं करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही। एक खेत छोटा सा खेत था,
वो लगा रहा था वही नहीं लगा रहा है, वहीं पे लेट जा रहा है। पहला उसके कंधे में मैंने जो है कि जुआ रखा और हल लगी एक बार ले गया, उसके बाद सीधे लेट गया। मैंने कहा छोड़ो, मम्मी को भी बोला छोड़ो, रहने दो, अब क्या ही करें, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब या किसी से मांगने पड़ेंगे बैल, अभी देखते हैं जो भी होगा आपको बता देंगे। फिलहाल तो हम चलते क्रिकेट खेलने के लिए, मम्मी भी चले गए अपने काम पे और हम भी चलते हैं।